जो विराट कोहली, क्रिस गेल, केएल राहुल, युवराज सिंह और डैल स्टैन जैसे वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज आईपीएल के 16 सीजनों में नहीं कर सके, वो स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2 सीजनों में ही कर दिखाया। पिछले 16 सालों से फ्रेंचाइजी टी20 लीग में एक ट्रॉफी के लिए जूझ रही बेंगलोर का इंतजार आखिर वुमेन प्रीमियर लीग में खत्म हो गया है। WPL 2024 सीजन के फाइनल में बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। WPL के दूसरे सीजन के इस फाइनल में बेंगलोर ने जबरदस्त वापसी करते हुए दिल्ली को शिकस्त दी और फ्रेंचाइजी के इतिहास में पहला खिताब जीत लिया। दरअसल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार यानी 17 मार्च की रात खेले गए इस फाइनल में दोनों टीम पहले खिताब के लिए उतरी थी। दिल्ली तो टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची थी, जबकि बेंगलोर का यह पहला ही खिताब मुकाबला था। पिछले साल दिल्ली को मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था, वही इस बार बेंगलोर ने खिताब जीतने का उसका सफर तोड़ दिया। वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी कप्तानी से ऑस्ट्रेलियाई टीम को रिकॉर्ड 5 वर्ल्ड कप जिताने वाली दिग्गज मैग लैंगिंग ने तो लगातार दूसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। दोनों टीमों के बीच इससे पहले 2 सीजन में 4 मैच खेले गए थे, लेकिन चारों मैच दिल्ली ने ही जीते थे। टॉस जीतने के बाद जिस तरह की शुरुआत कप्तान लैंगिंग और सैफाली वर्मा ने शुरुआत की, उससे लगा था पांचवी बार भी यही होगा। पावर प्ले में ही दोनों ने 61 रनों की जबरदस्त साझेदारी कर डाली। सैफाली ने खास तौर पर बाउंड्रियों की बारिश की, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद बेंगलोर ने नाटकीय अंदाज में वापसी की। आखिरकार 19वें ओवर में श्रीलंका ने आखिरी 2 विकेट लेकर सिर्फ 113 रनों पर दिल्ली को ढेर कर दिया। बेंगलोर के लिए ये लक्ष्य ज्यादा मुश्किल नहीं था और सैफी डोवाइन ने कप्तान मंधाना के साथ मिलकर टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने 49 रनों की पार्टनरशिप की। डिवाइन ने आउट होने के बाद आरसीबी की खिताबी जीत की सबसे बड़ी स्टार एल्स पेरी आई, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया। हालांकि तेजी से रन बनाने में दिक्कत हुई, लेकिन लक्ष्य बड़ा न होने के कारण दोनों ने पूरा वक्त लिया। हालांकि टीम को जीत तक नहीं ले जा सकी और टीम के 82 रनों के स्कोर पर आउट हो गई। इसके बाद द पेरी और श्रीचा घोष ने टीम को अंत तक पहुंचाया। दोनों के बीच 31 रनों की साझेदारी हुई। मैच आखिरी ओवर तक गया, जिसकी तीसरी गेंद पर श्रीचा ने चौका जमाकर टीम को पहली बार चैंपियन बनाया। श्रीचा 17 और पेरी 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे और टीम को जीत दिला दी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।